हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्पेशल क्लास टॉपिक डेकोरेशन ऑफ हाउस कीपिंग द हाउस क्लीन इज़ अ मेन प्रोरेटी फॉर मोस्ट ऑफ अस क्लीनिंग द हाउस वी मस्ट मेक श्योर डेट एवरी रूम ऑफ द हाउस इज इंटैक्ट एंड कीप टाइडी घर को साफ रखना अधिकतर सभी लोग इसे प्राथमिकता देते हैं अपने घर को साफ रखने की जब कभी भी हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हमें स्वयर होना चाहिए स्वैर होना चाहिए पक्का होना चाहिए कि जो हाउस के जो सभी रूम्स हैं वो साफ़ हैं नेक्स्ट है स्टडी रूम कैसे मेंटेन किया जाता है इस बारे में रीड करेंगे आई स्टडी रूम माइट बी अ पर्सनल स्पेस वे आर यू स्पेंड योर टाइम स्टडी एंड लर्निंग इट इज डेट स्पेशल प्लेस वे आर यू हैव फ्रीडम स्टडी रूम में पर्सनल पर्सनल स्पेस होता है जहाँ हम अपना टाइम स्पेंड करते स्टडी करने में और लर्निंग करने में यह एक ऐसी स्पेशल जगह है जहाँ पर हमें स्वतंत्रता होती है फर्स्टली स्टार्ट बाई डूइंग अ क्लीन आउट ऑफ वॉट यू नीड एंड वॉट यू डो नॉट नीड फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे सफाई करना कौन सी चीज हमें बाहर रखने या नहीं किस चीज़ की हमें आवश्यकता है और किस चीज़ की आवश्यकता हमें नहीं है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव योर सेल्फ एज मच स्पेस एज पॉसिबल यू प्लेस योर बुक्स एंड स्टडी मटेरियल इन अ स्पेसिक एरिया प्लेस बुक ऑन द टेबल और सेल्फ़ नियर योर बेड और ईजी एक्सेस दिस वे यू विल नाउ हाउ टू फाइंड दैम न एवर यूर नीड दैम जो बुक्स है बुक्स की जगह है और इस्टी मटेरियल्स है उनका एक स्पेसिक एरिया होना चाहिए प्लेस ऑफ बुक ऑन टेबल और बुक की जगह जो टेबल में है और सेल्फ़ को हमें बैठ के अपने बैट के पास रखना चाहिए इससे ईजी हो जाता है इस वजह से इस रास्ते से इस आसानी हो जाती है कि जब हम कभी भी हमें बुक्स की आवश्यकता होती है तो हमें आसानी से मिल जाती है और हमें अपने स्टडी रूम में फूड और ड्रिंक्स लेकर नहीं जाना चाहिए इफ़ थिंग्स आर नॉट रिक्वायड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और यदि कुछ चीज़ें हमें एग्जाम के दौरान नहीं चाहिए फाइंड स्टोरेज स्पेस हमें एक फाइंड स्टोरेज ढूंढना चाहिए मेक यूज ऑफ डेस्क जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं डेस्क ड्रॉल स्पेस अंडर द बेड एंड स्पेयर रूम कीप अ वेस्ट पेपर बास्केट एट रीच सीरीज थ्रो ऑल अनवांटेड पेपर वर्क डेट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर रफ़ वर्क हमें एक वेस्ट पेपर बास्केट भी रखनी चाहिए अपने जहाँ हमारा हाथ पहुँच जाए अपने अनवांटेड पेपर जो भी रफ़ वर्क करते हैं हम यूज़ करते हैं उस पेपर को फेंकने के लिए ठीक है डस्ट क्लीन योर बुक्स एंड बुक सेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिक और अपने बुक्स की और बुक सेल्फ की रेगुलर सफाई करनी चाहिए अरेंज योर बुक्स प्रोपरली और अपने बुक्स को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए Only those keeps book with you that are required for a day और उन बुक्स को ही अपने पास रखना चाहिए जिसकी तुम्हें required है आवश्यकता है Take care of your stationery keep a proper box or cup for your stationery Otherwise, you विल keep searching from them everywhere अपनी स्टेशनरी की टेक केयर करनी चाहिए और उन्हें एक प्रॉपर बॉक्स या कप में रखना चाहिए स्टेशनरी के सामान को नहीं तो तुम उस सामान को ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ रखा है नेक्स्ट टॉपिक है अलमीरा अलमीरा को कैसे मेंटेन करते हैं हैंग अप योर क्लोथ्स एंड ऑर्गेनाइज देम। अपने कपड़ों को हैंग करो लटकाओ और उनको व्यवस्थित करो ट्राई टू हैंग अपनी ऑफ क्लोथ एज यू कैन कोशिश करो कि तुम अपने कपड़ों को ज़्यादातर हैंग कर सको ऑर्गेनाइज़ योर क्लोथ बाई सीज़न और सीजन के अकॉर्डिंग भी अपने क्लोथ्स को व्यवस्थित कर सकते हो इफ़ इट इज़ समर यदि समर है तो सबसे पहले समर के क्लोथ्स को हैंग करो और सेपरेट अपने सेपरेट टॉप स्कर्ट पैंट्स और अदर ड्रेसेस को सेपरेट रखो और वेस्ट मत करो जो स्पेस अंडर योर हैंगिंग क्लोथ्स जो नीचे का स्पेस है उसको वेस्ट मत करो इफ़ यू हैव रूम फ्राम अ ड्रेसर कंसीडर्स पुटिंग ऑन इन योर क्लोज अपने पास रखो उस सामान के पास रखो जहाँ पर स्पेस है इट विल सेव योर टाइम एंड स्पेस इससे तुम्हारा टाइम और तुम्हारी जगह बचेगी थैंक यू स्टूडेंट